सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठमाला का पाठ नंबर 7, सचित्र महात्मा गांधी। पाठ 7, सचित्र महात्मा गांधी। दोस्तों, आजादी की बात हो और महात्मा गांधी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए साथ में गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण अंशों के बारे में पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी और पुतली बाई के इसी घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। माता पिता ने कल्पना नहीं की होगी कि यह नन्ना सा बालक एक दिन विश्व स्तर पर शांति दूत बनेगा, जिसका नाम युगों युगों तक लोग लेंगे। उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहनदास रखा और वे प्यार से घर पर इसे मुनिया बुलाते थे। यह बालक असल में महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी को अंधेरे से बहुत डर लगता था और इसलिए वे अकेले रहना पसंद नहीं करते थे। महात्मा गांधी की माँ का नाम श्रीमती पुतली बाई था। उनको अपनी माँ से कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। उन्हें राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानी बहुत पसंद थी। ये हैं कस्तूरबा, गांधी जी की पत्नी। गांधी और कस्तूरबा सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी। कस्तूरबा के रूप में उन्हें एक दोस्त मिला जिसके साथ वो दिन भर खेल सकते थे। गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत वापस आए तब उनकी माता का देहांत हो चुका था। उनके पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। कुछ दिनों यहाँ संघर्ष करने के बाद वे काम के लिए डर्बन दक्षिणी अफ्रीका चले गए। प्यारे बच्चों, वीडियो तो देख ली आपने, चलो अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। गांधी जी को तो आप जानते ही हो, इनको हम राष्ट्रीय पिता भी कहते हैं, बापू जी भी कहते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी माता का नाम पुतली बाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, गांधी जी का नाम मोहनदास रखा गया। घर में इन्हें मुनिया के नाम से बुलाते थे। गांधी जी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वे अकेले रहना पसंद नहीं करते थे। महात्मा गांधी जी की माता जी उन्हें कहानियाँ सुनाती थी, उन्हें वह कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने उन्हें राजा हरिश्चंद्र की, श्रवण कुमार की कहानी सुनाई जो उन्हें बहुत पसंद आई। अब ये है कस्तूरबा, ये गांधी जी की पत्नी हैं। इनका विवाह 13 साल की उम्र में हो गया था। कस्तूरबा के रूप में उन्हें एक दोस्त मिला जिसके साथ वह दिन रात खेला करते थे। गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। उनकी पढ़ाई जब पूरी हुई तो भारत वापस आए तो उनकी माता का देहांत हो चुका था। देहांत मीन्स उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद पिताजी का भी स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। स्वर्गवास मीन्स मृत्यु। कुछ दिनों के यहाँ संघर्ष करने के बाद वे काम के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। चलो बच्चों, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।